भर स्पेशल, सिद्धू के शहर में फूंका गया इमरान खान का पुतला, हिंदू संघर्ष सड़कों पर, दल बल संघ पुतला फूंक बोला गद्दार है दोस्ती, पाक नहीं पाकिस्तान। लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान व पंजाब के पूर्व निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की दोस्ती के चर्चे सारी दुनिया में तब होने लगे जब पीएम की ताजपोशी में, यानी कि पाकिस्तान के पीएम की इमरान खान की ताजपोशी में भारत से केवल सिद्धू गए थे। जी हाँ, जब भी तो याद होगी आपको। खैर जाने दीजिए, सियासत है, लाइव भारत बताता है आज की हकीकत। अमृतसर के हिंदू संघर्ष दल ने श्री गुरु नानक देव जी के नाम से एक हॉस्पिटल है और उसके बगल में ही फूंक दिया इमरान खान का पुतला। जब इमरान खान का पुतला फूका और जमकर कोसा तो गुस्सा सरहद व घुसपैठ को लेकर था, चीनी समझौतों को लेकर था और इमरान खान को भारत का विरोधी बताया। इत्तफाक की बात है कि सिद्धू के इस शहर में और इमरान के दोस्ती के चर्चे याद फिर आ गए जब सिद्धू सरहद लांग पाकिस्तान गए थे। लेकिन विडंबना है कि आज दोस्ती में वो ये भी नहीं मांग पाए शायद कि भारत विरोधी कम से कम सोच तो बंद कर दें। दोस्ती में इंसान कुछ भी कर सकता है, तो क्या इमरान खान को सिद्धू ने दी थी ऐसी राय जब मिलने गए थे पाकिस्तान? तो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती बहुत बेहतरीन है तो आज सिद्धू को कहीं ना कहीं इमरान की दोस्ती याद आई होगी, क्योंकि आज सिद्धू इसी शहर में है और इसी शहर में फूके जा रहे हैं इमरान खान के पुतले। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी, आप देख रहे हैं लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय महाकाल। मैं नवीन महाजन, राष्ट्रीय प्रधान हिंदू सर्वशक्ति दल, मेरे नाल गौरव मैनी राष्ट्रीय यूथ प्रधान, साढ़े अमित कुमार जी राष्ट्रीय जनरल सकत्तर, साढ़े बंटी जी राष्ट्रीय सचिव, ते मेरे तमाम आए हुए साढ़े हिंदू सर्वशक्ति दल दे जिन्हें भी सदस्य ने, अज असी पाकिस्तान दा पुतला फूकिया इमरान खान, जड़ा कि पिछले 4-5 दिन पहले पाकिस्तान कराची दे विच साढ़े 80 साल पुराने मंदिर हनुमान मंदिर नू जड़ा जी तोड़िया गया सी, जिहदे नाल उस क्षेत्र दे विच रहिंदे 20 परिवार हिंदू परिवारां नू वी उन्होंने उजाड़िया, उन्होंने घर बार नू तोड़िया ते उन्होंने बेघर करता ते उन्होंने मार कुटाई करके मजबूर किया कि वह भारत दे विच वापस चले जाण। जिस चीज़ के कारण सानू ये गल उत्थे पता लगी है, मीडिया के अनुसार ये पता लगा है कि पाकिस्तान ने जड़ी उहदे नुमाइंदे ने वो उत्थे कराची दे उन्होंने हिंदू परिवारों के नाल एक गल दे उत्ते समझौता किया सी लॉकडाउन तो पहले कि जड़ी इत्थे कलोनी जड़ा उत्थों का कोई पाकिस्तान का बिल्डर है जड़ा कि उत्थों के जड़े उन्होंने सरकार के नुमाइंदे ने उन्होंने मिल के कलोनी कटना चाहता है, वह हिंदू परिवारों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना ही जड़ा उत्थे पुराना मंदिर है जड़ा 80 साल पुराना हनुमान का मंदिर है किसी तरह का वो उत्ते कोई कार्रवाई तोड़िया नहीं जाएगा। लेकिन लॉकडाउन तो बाद जड़े चानू पता 4-5 महीनों के उन्होंने मंदिर भी तोड़ दिता, तो जड़े हिंदू परिवार है जो उन्होंने यदा विरोध किया तो उन्होंने घर बार भी तोड़ दिते। असी भारत सरकार को ही मांग करते हैं कि भारत देश के विच ते पंजाब दे विच बहुसंख्या दे विच मुस्लिम लोग जड़े अमन शांति दे नाल भारत दे विच रह रहे हैं, किसी तरह की किसी नूं कोई परेशानी नहीं है, पर पाकिस्तान दे विच साढ़े जिहड़े हिंदू भाईचारे दे लोग रहिंदे ने उन्होंने क्यों इहो जिहा वर्तावा हो रहा, क्यों उन्होंने धक्का हो रहा, क्यों उन्होंने तंग परेशान किया जाता, क्यों उन्होंने मार कुटाई करके उन्होंने साढ़े मंदिर तोड़ दिते जाते हैं, साढ़े हिंदू परिवारों के घर बार तोड़ दिते जाते हैं, जिहदे नाल समुचे हिंदू जिहड़े संगठन ने हिंदू भाईचारा उहदे विच रोष है, हिंदू समाज रोष है, उन्होंने रोष उन्हें ठेस पहुँची है। असी भारत सरकार अगे पंजाब सरकार अगे एक मंग करते हाँ कि उन्होंने जोड़े उच्चा उत्ते नियुक्त ने उन्होंने गलबात करके वो जोड़े उतों के नुमाइंदे ने कराची के जिन्होंने ये काम किया बिल्डर मिल के उन्होंने उत्ते ठोस कार्रवाई की जाए, उन्होंने जो उन्होंने बनती सज़ा उन्होंने दी जाए, तो जड़े लोग ने जोड़े 20 परिवार हिंदू ने जिन्होंने बेघर किया उन्होंने शरण दी जाए, तो साडा दोबारा नवे सिर तो मंदिर निर्माण किया जाए। सो यह हमारी बेनती है, अगर पाकिस्तान सरकार या साडे प्रधानमंत्री साहब या पंजाब जड़े साडे मुख्यमंत्री ने अगर यहोजा उन्होंने गलबात करके उत्थे कोई एक्शन नहीं हुंदा तो असी हिंदू सर्वशक्ति दल वालों असी अपनियां रिपोर्टां तैयार कर रहे हैं कि पिछे भी काफ़ी पहले भी हिंदू समाज नाल हिंदू मंदिरां नाल उत्थे अगे भी धक्का होंदा रहा पाकिस्तान दे विच, असी वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके असी नैशनल कोर्ट 'ਚ ਜਾ ਕੇ
फिर असी अपने तरीके दे नाल इहदा जिहड़ा वो हल मसला करांगे। सो सब तो पहले बेनती यही है कि जिहड़ा भाईचारा चाहे वह किसी भी समाज का वह बनया रहे। इस करके असी सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान के जिहड़े हुक्मरान ने इमरान खान ते उन्हां दी सरकार का पुतला फूकिया कि आपां एक रोश प्रदर्शन करके हिंदू समाज ने दस्सिया कि सानू गुस्सा है। इस उत्ते पंजाब सरकार ते भारत सरकार जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले समय के हिंदू सर्वशक्ति दल वालों होर भी वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा इहदे ते धरने प्रदर्शन किए जाएंगे या कोई होर जिहड़ी औखी कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम, जय महाकाल।